राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। यहाँ की यादें मेरे मन में रची बसी हैं। कानपुर देहात के एक छोटे से गांव से अपनी जीवन यात्रा शुरू की, आज मैं जहाँ तक पहुँच सका है उसके पीछे आप सभी की शुभकामनाएं और कानपुर की धरती व माँ गंगा के आशीर्वाद की ताकत है। मुझे कानपुर के गौरवशाली इतिहास का एक अध्याय हमेशा प्रेरणा देता रहा है और वो है इस इलाके की सड़कों, गलियों और गांवों ने वर्ष आजादी के दौरान, आजादी संघर्ष के दौरान, 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के दौरान नाना साहब तात्या टोपे उनके लड़ाई को दस्तों की बहादुरी देखी थी। आज हमारा देश ठीक उसी प्रकार से एक दूसरी लड़ाई लड़ रहा है, अस्वच्छता के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई, और इसको इसका जो बीड़ा उठाया है वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, और आज हम सब लोग इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस गांव ईश्वरीगंज गांव के लोगों ने जिस जिम्मेदारी के साथ अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाया है उसे देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश अवश्य ही स्वच्छता पर विजय प्राप्त करेगा। मैं इस गांव के सभी लोगों को बधाई देता हूं। स्वच्छता के लिए उदाहरणीय योगदान देने वाले आज के पुरस्कार विजेताओं को मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं चाहता हूं कि इस गांव से सीख लेकर इस इलाके के सभी लोग सफाई पर जोर दें तथा गंगा नदी को भी साफ करने में अपना योगदान दें। आज हम सब ने एक शपथ ली है, वह सार्वजनिक स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण की स्वच्छता के परस्पर जुड़े होने को रेखांकित करती है। प्यारे उत्तर प्रदेश के वासियों और समूचे देशवासियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के कार्यक्रम का मित्रों सीधे दूरदर्शन द्वारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पूरे देश में। मेरा कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम बैठे हुए लोगों को टीवी नहीं दिखा रहा है, आप सबको भी देश के सामने कि कानपुर के ईश्वरीगंज गांव में जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में कौन कौन भागीदार हैं आप सबको भी दिखाया जा रहा है। हमारे घर, सार्वजनिक स्थान, गांव और शहर हमेशा साफ रहें, ये प्रयास हम सबको मिलकर के करना है। स्वच्छता अब केवल सफाई कर्मियों और सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है और ना ही केवल उनकी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, कि जिम्मेदारी हम सबकी है। ये बात लगभग 100 साल पहले महात्मा गांधी ने खुद सफाई करते हुए कहा था कि जब तक हम सब अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं उठाएंगे तब तक आप अपने गांव और शहर को साफ नहीं कर पाएंगे। ये सन 2014 की गांधी जयंती के दिन से चल रहे स्वच्छ भारत मिशन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केवल लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करना है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि स्वच्छता की सुविधाओं का स्थायी रूप से इस्तेमाल होता रहे और स्वच्छता की जड़ें मजबूत होती रहे। मैं इस पर बहुत कुछ आंकड़े नहीं पेश करना चाहता हूं, लेकिन दो तीन बातें जरूर आपसे साझा करना चाहता हूं कि गंदगी जो है किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है। मल मूत्र से जो बीमारियां होती हैं उनके कारण होने वाला आर्थिक नुकसान, एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि हमारी जो देश की जीडीपी है उसका 6.4 के बराबर आंका गया है। अभी तालियां इसलिए बज रही हैं क्योंकि दूरदर्शन उनको भी दिखा रहा है और जो तालियां नहीं बजा रहे उनको भी दिखाया जा रहा है, आप निश्चिंत रहिए। इन बीमारियों से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अधिक परेशानी होती, उनकी कमाने की क्षमता कम हो जाती है और कहा जा सकता है कि स्वच्छता के लिए काम करना सही मानों में मानवता की सेवा है। खुले में शौच के कारण होने वाली बीमारियों से छोटे बच्चों की आंतों में, ये डॉक्टर्स कहते हैं, आंतों में सूजन हो जाती है, खाना शरीर को लगता नहीं है, बच्चों की लंबाई कम रह जाती है, वो दिव्यांग हो जाते हैं, उनकी बुद्धि के विकास पर असर पड़ता है, भारी संख्या में बच्चे डायरिया के कारण मौत का शिकार होते हैं, पीने के पानी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
बनाने का सबसे बड़ा कारण मल और मूत्र से पैदा होने वाले संक्रमण ही है। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं, हम सब लोग जिस ग्रामीण वातावरण में रहते हैं, जो लोग हमारी जो बहु बेटियां खुले में शौच में जाती हैं, थोड़ी दूर जाती हैं, गांव से बाहर जाती हैं, और कभी देखा होगा जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो जब तक बहु बेटी शौच करके घर वापस नहीं आती है तब तक हमारे घर के बड़े बूढ़े मानसिक तनाव में रहते हैं। जब वो आ जाती हैं तब उनको संतुष्टि होती है। और एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि देश में इसी गंदगी के कारण 6.5 करोड़ लोग मानसिक बीमारी से त्रस्त हैं। मानसिक बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो कभी किसी को बताती नहीं है कि मेरी बीमारी का आपके शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ये उस प्रकार की मानसिक बीमारी है। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा स्वच्छता को एक सामूहिक मुद्दा बनाया गया है। गांव से लेकर केंद्र सरकार तक हर स्तर पर समाज के हर तबके की भागीदारी तय की गई है। महिलाओं के अनेक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। यहां उपस्थित 7 विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों की सक्रियता इस मिशन में व्यापक भागीदारी का उदाहरण है। सिविल सोसाइटी, सैन्य बलों, इंटरफेथ ग्रुप, एनसीसी, एनएस जैसे युवा संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और कारपोरेट सेक्टर की निरंतर भागीदारी से इस अभियान को तथा स्वच्छ भारत मिशन को विशेष ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन आम जनता अर्थात आप सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं उनके बिना ये मिशन पूरा नहीं हो सकता। स्वच्छता के लिए सदियों पुरानी आदतों को हमें बदलना है। ये समाज की सोच में बदलाव का अभियान है। ये उस निर्दयता को रोकने का अभियान है जिसके दबाव में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां खुले